नमस्कार हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य राजीव कुमार पाठक जी जुड़ गए हैं। राजीव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार, जी नमस्कार धन्यवाद हरियाणा न्यूज को, धन्यवाद जो यहाँ पे बुलाए हैं। जी पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों को बताइए कि आज का सुविचार क्या है, आज के दिन हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ अच्छा रह सकता है। देखिए, आज सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले, आज गुरुवार है, वार के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिमध्याह्नगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करके कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले दर्शकों को यह बता देता हूं कि जो लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर करें, जिससे कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जहां तक आज के सुविचार की बात कर रहा हूं, आज के पंचांग की बात कर रहा हूं, तो आज जो है विक्रम संवत 2078 है, फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है सुबह 10:40 तक। उसके बाद जो है द्वितीय तिथि है, गुरुवार तो है ही, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रही है। राहु काल जो है ऐसा कोई काल जिसका दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होता हो वो राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय जानना चाहेंगे आप लोग, राहु काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, अभिजीत मुहूर्त जो है वो हरि को अति प्रिय होता है। अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य बहुत सफल होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है उसका समय जो है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक है। नक्षत्र की बात करें, मघा नक्षत्र है शाम को 4:11 तक। उसके बाद जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। जहां तक सूर्योदय की बात करते हैं, सुबह 6:58 पे है और सूर्यास्त जो है शाम को 6:13 पे है। और थोड़ी सी चर्चा दिशासूर की कर लेते हैं। कोई भी यात्रा दिशासूर की तरफ यात्रा करने से जो है उस समय लाभ परिणाम जो होता है लाभप्रद नहीं होता है। दिशासूर के दिन उस दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो जो आज दिशासूर है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो कोई भी शुभ कार्य करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना निषेध करें, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता है। जी जी पंडित जी, पंडित जी इस बीच जो हमारे साथ दर्शक जुड़ने वाले हैं उनको भी हम बता देते हैं कि अगर आप आज के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने आज के दिन के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका आज का दिन क्या कहता है, आने वाले दिन क्या कहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो उसको लेकर आप लगातार चिंतित हैं, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, तमाम ऐसे सवालों के जवाब आज हम देंगे। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी से आप, हम आपके विषय से जुड़े हुए, आपके जीवन से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, उनका उपाय भी जानना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। पंडित जी बढ़ते आगे, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। पहली राशि वृष है, उसकी अगर हम बात करें तो इनके लिए आज का दिन कैसा रह सकता है। पहली राशि मेष है और जो जहां तक बात कर रहे हैं हम राशिफल कैसे देखिए, राशिफल कैसे होता है, देखिए राशिफल हम अपने जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान को डालने के बाद चंद्रमा जिस राशि में स्थित होती है लग्न कुंडली में वो हमारा राशि होता है और राशिफल उसी पे और ग्रहों का गोचर पे क्या होता है, आपके कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह योग कारक नहीं है, इस पे भी विचार किया जाता है, वही गोचर में भी योग कारक होता है। तो जहां तक बात करते हैं, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि का स्वामी जो होता है मंगल है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन हो सकता है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मन प्रसन्न हो रहने की संभावना है और जब मन ही प्रसन्न हुआ तो सब कुछ अच्छा होने की संभावना होती, मन से ही तो सब कुछ है। तो मन आज आपका प्रसन्न रहने की संभावना है। कारोबार जो लोग करते हैं, बिजनेस जो लोग करते हैं, व्यवसाय जो लोग करते हैं, उनको थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।
हाँ जहां तक आय की स्थिति की बात कर रहे हैं तो आय की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। मित्रों की बात करें तो मित्रों से आज सहयोग मिलने की संभावना है। खर्चों की भी अधिकता होने की संभावना है, खर्च अधिक होंगे तो थोड़ा परेशानी बढ़ ही सकती है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात, हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। लंबी यात्रा जो लोग सोच रहे हैं उसका योग आज बन सकता है आपके यहाँ। शैक्षिक कार्यों में सफलता का योग दिखाई दे रहा है आज के दिन मेष राशि वालों के लिए। जी जी पंडित जी, पंडित जी बढ़ते हैं आगे। बात अब वृष राशि वालों की कर लेते हैं हम। मेष राशि वालों की तो हमने बात कर ही ली है, इनके लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? वृष राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। वृष राशि वालों के लिए नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति की संभावना आज दिखाई दे रही है, आज योग बन रहा है। जो लोग उच्च पद की प्राप्ति की चाह रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। शासन से जुड़े हुए हैं उनको मान सम्मान की आज प्राप्ति हो सकती है वृष राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेखन और बौद्धिक कार्यों से आय के साधन जो बन सकते हैं आपके आज परिवार में। धार्मिक कार्यों का योग बन रहा है आपके आज परिवार में। वाणी में थोड़ा सा कठोर हो सकता है, उसमें थोड़ा सौम्यता लाने की जरूरत है। नई योजना की तरफ ध्यान देने से अचानक इनको लाभ होने की संभावना है। जी जी पंडित जी, पंडित जी इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ शीतल, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 नवंबर 1995 है। ये अपने आज के दिन के बारे में जानना चाहती है। टाइम 3:10 सुबह या शाम? शाम। बस एक सेकंड लाइन ढूंढ दी। जी बर्थ प्लेस कुछ फतेहाबाद। प्लेस फतेहाबाद। जी इनकी मेष लग्न है और कुंभ राशि है इनकी। आज इनका जो है मन प्रसन्न रह सकता है इनका, परंतु अपनी भावनाओं को बस में रखने की जरूरत है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर इनको मिल सकते हैं। यात्रा करने पे इनको खर्च बढ़ सकती है। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है इनको। इनका आत्मविश्वास जो है आज भरपूर रहने की संभावना है। धैर्यशीलता में थोड़ी कमी आ सकती है। मानसिक परेशानियां भी हो सकती है थोड़ी बड़े। व्यापार के विस्तार को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। जहां तक इनकी बात है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है और गुरु की प्रत्यंतर चल रही है। शनि इनका विष योग बना करके लाभ स्थान में बैठा है, हालांकि शनि अपने घर में है। कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी लाभेश इनका अपने घर में है, तो पैसे कमाने का समय तो इनका आ चुका है। हालांकि इनको जो है काल सर्प योग की थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ा सा काल सर्प योग का इनको शांति कराना बहुत जरूरी है। जी शनि की महादशा है, शनि का उपाय थोड़ा करना चाहिए। लेकिन बचपन से जो चीज इन्होंने चाहा है इनको मिला है, ऐसी बात नहीं है। भाग्यशाली है ये, भाग्य से घर के लिए भी भाग्यशाली है, अपने लिए भी भाग्यशाली है। लग्नेश भाग्य स्थान में जाके विराजमान होना बहुत बड़ी बात है। लाभेश अपने घर में है तो ये भी बहुत बात है, और धनेश भी भाग्य स्थान में है, ये उससे और अच्छी बात है। तो पैसे तो इनके पास में बहुत है। जी जी पंडित जी, पंडित जी एक रेगुलर कॉलर है हमारे साथ जीन से, सुषमा जी। सुषमा जी बताइए। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1992, 11:43, जन्म स्थान पानीपत। गुरु जी इसकी शादी कब तक होगी और कैसी लड़की मिलेगी, इसका भविष्य कैसा रहेगा? आप एक बार टाइम और बर्थ फिर कंफर्म कर दीजिए। सुषमा जी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बताइए, स्थान बताइए कि कहां पर ये पैदा हुए हैं।
टाइम टाइम पानीपत पानीपत 11:47 पर ये पैदा हुए हैं सुबह के। बस एक सेकंड लाइन पे बने रहिए। मकर लग्न और मकर राशि इनकी राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, इनकी विष योग लग्न में बना पड़ा है। भोले शंकर की आराधना इनके लिए बहुत जरूरी है। शादी में विलंब का कारण भी यही है। विष योग की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। चंद्रमा शत्रु में है, मानसिक रूप से परेशान, मंगल कमजोर है, मांगलिक भी है और मंगल जो है सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए शादी में विलंब हो रही है। मांगलिक लड़का से शादी करवाए। और राहु की मानसा है, थोड़ा राहु का भी उपाय करना है। राहु भी इनका नीच का बैठा पड़ा है, थोड़ी सी परेशानी है इनको। राहु का उपाय, भोले शंकर की उपाय और हनुमान जी की पूजा इनके लिए बहुत जरूरी है। चलिए सुषमा, वैसे होने की उम्मीद है, चिंता ना करें। साथ जुड़ने के लिए तो आपको बता देते हैं कि सुषमा जी हमारी रेगुलर कॉलर हैं, तो आप भी हमारी रेगुलर कॉलर बन सकते हैं। अगर आप अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी से आप अपनी समस्याओं का समाधान आप कैसे पा सकते हैं ये भी आप जान सकते हैं। पंडित जी बढ़ते हैं आगे, हम बात अब मिथुन राशि वालों की कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास रह सकता है? मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज थोड़ा आत्मविश्वास में कमी दिखाई दे रही है। आत्मसंयत रहने की इनको जरूरत है। आज किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर इनको मिलने की संभावना है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इनको आज। संचित धन में कमी हो सकती है, खर्चे अधिक होंगे तभी तो संचित धन में कमी होगी। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती है, जो विद्यार्थी है उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य के ध्यान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रहन सहन थोड़ा सा इनका आज अव्यवस्थित हो सकता है। दिन के पूर्वार्ध में फुटफुट लाभ मिलने की संभावना है। जी जी पंडित जी, पंडित जी बात अब कर्क राशि वालों की हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ चंडीगढ़ से, मीनू जी। मीनू जी बताइए। हाँ जी मैडम, मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ जी, 5 नवंबर 1973। क्या नाम है उनका? उनका गुरमीत। गुरमीत। 5 नवंबर 1973। हाँ जी, रात के 2 बजे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी पंडित जी, ये है कि इनकी हेल्थ के बारे में जानना है। कभी इनको पेट की प्रॉब्लम आ रही है, कभी हड्डियों की, कभी कंधे की, क्या कभी आंखों की, तो इनकी हेल्थ कैसे ठीक होगी, क्या उपाय करें और कब तक ऐसा रहेगा? एक सेकंड लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर लेता हूं। इन 2 बजे सुबह का है, 2 AM की टाइम आपने बताया। सिंह लग्न और कुंभ राशि है इनकी। शनि में राहु चल रहा है, राहु की अंतरदशा है, शनि की महादशा है। शनि इनका रोगेश है, शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले छठे भाव का स्वामी है, इसलिए इनको परेशानी आ रही है। शनि के लिए शनिवार के दिन शाम के टाइम में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना इनके लिए बहुत जरूरी है। और हनुमान जी की जितनी भी पूजा कर सकती है, कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सुनिए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि और सातवें भाव का स्वामी है और शनि की महादशा भी चल रही है और शनि सम भाव में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी सी परेशानी का कारण है। ऊपर से राहु भी चल रहे हैं, राहु की स्थिति जो है सम का है, राहु भी आपके जो है पंचम स्थान में बैठे, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो इनको हनुमान जी की जितनी सेवा आराधना करेंगे और शनि देव को जितनी भी प्रसन्न रखेंगे उतने इनके लिए अच्छा होगा। शनि देव का चेहरा कभी नहीं देखे, कंधे से ऊपर कभी ना देखे, उनके दृष्टि में ही दोष है, अतः ये कोशिश करें कि उनके कंधे से ऊपर ना देख पाए। और शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना रामबाण हो सकता है इनके लिए। हनुमान जी की पूजा भी इनके लिए अच्छा उपाय है। जी चले मीनू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी एक और कॉलर है हमारे साथ, रोहतक से कमल जी। कमल जी बताइए।
जी मैं कमल की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए। कमल के बारे में पूछना चाह रही, बेटा है मेरा। पूछिए पूछिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बेटे की? 19 दिसंबर। 26 दिसंबर 1985। क्या दोबारा आप रिपीट? 26 दिसंबर 26 दिसंबर जी। हाँ 1985 शाम 5:30 जी, 5:10 पर। क्या जानना चाहती हैं आप? ये जानना चाहती हूँ जी, कोई इसका रोजगार नहीं, नहीं इसकी शादी हो रही, कब तक हो जाएगा जी कुछ? बस एक सेकंड लाइन पर रहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि है, गुरु में राहु चल रहा है, राहु इनका सम का बैठा पड़ा है, लाभ भाव में बैठा पड़ा है। शादी की जहां तक बात है, सूर्य और शुक्र वहां बैठा हुआ है, डिले हो रहा है, चंद्रमा को शुक्र देख रहे हैं और इनकी जो स्थिति है, गुरु कमजोर है, सप्तमेश कमजोर है इनके, सप्तमेश कमजोर हो करके बैठे जो हुए हैं, अष्टम स्थान में बैठे हैं, इसीलिए इनको शादी में प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरु का उपाय, गुरु की महादशा भी चल रहा था, गुरु का उपाय इनके लिए करना जरूरी है। जहां तक बात है, शनि की महादशा स्टार्ट होने वाली है 2022 में जुलाई के बाद, तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि गुरु सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये शादी में थोड़ी सी परेशानी के कारण होता है। तो गुरु को स्ट्रांग करना इनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो गुरु को कैसे स्ट्रांग किया जाए? गुरु को स्ट्रांग करने के लिए हल्दी और केसर का तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। नहाने के पानी में हल्दी डाल करके नहाना, वो भी अच्छा उपाय है। केले के पौधे में प्रतिदिन जल देना, ये भी गुरु को स्ट्रांग करने का बहुत बड़ा उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और तो शनि के महादशा आज प्रारंभ होने वाला है, तो शनि का उपाय जो मैंने पहले बताया है, शनि का उपाय भी इनको करना चाहिए। शादी होने की संभावना है, शनि में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो सकती है। रोजगार गुरु के कारण ही थोड़ा परेशानी आ रही थी, आगे भगवान अच्छा करेंगे जी। जी पंडित जी, पंडित जी बढ़ते आगे, बात हम कर्क राशि वालों की कर रहे थे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास? कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, आज इनकी वाणी जो होगी बहुत मधुर वाणी होगी, और मधुर वाणी जब होगी तो बहुत अच्छे अच्छे काज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, आत्मसंयत रहने की जरूरत है इन्हें। स्वास्थ्य की बात जहां तक करते हैं, हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आज सजग रहने की जरूरत है। आय में कमी के बावजूद नए स्रोत के मतलब मार्ग बन सकते हैं, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, आज इनको आय का नया नया रास्ता बन सकता है। जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सुखों में आज वृद्धि देखी जा रही है इनकी। शैक्षिक कार्यों में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, शैक्षिक कार्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। शुभ समाचार आज मिलने की इनकी संभावना है। खर्च में अधिकता रहने की संभावना है। स्वादिष्ट खान पान की तरफ आज इनका रुझान बढ़ सकता है। जी जी पंडित जी, पंडित जी सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, आज सिंह राशि वालों को कुछ ऐसा होगा जो मन में शांति एवं प्रसन्नता होगी। इसका मतलब मन खुश तभी होता है जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा ही मान के चला जाए। नौकरी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें तरक्की के मार्ग भी आज प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा वृद्धि हो। जो लोग विदेश यात्रा सोच रहे हैं उनको विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं आज इस राशि वाले लोगों के लिए। जहां तक इनकम की बात करें, आय की बात करें, तो उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इन लोगों को वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि इनको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक रहन सहन की बात करते हैं, तो रहन सहन थोड़ा अव्यवस्थित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जी।
पंडित जी, कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं हम। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है, इनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं? कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं, आज इनका भी मन प्रसन्न रहने की संभावना है। परिवार के साथ इनमें हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का ये लोग आज कार्यक्रम बना सकते हैं। स्वास्थ्य हेल्थ थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की आज इनको जरूरत है। खर्च थोड़ा अधिक होने की संभावना है, लेकिन वाणी इनकी सौम्य रहेगी, मधुर रहने की संभावना है। मानसिक उलझने कोई न कोई बातों को लेकर इनको आज हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा चिड़चिड़ापन टाइप पर हो सकता है। रहन सहन में आज ये असहज महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि इनको आज माता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। जी पंडित जी, पंडित जी तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है? तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन जो है कला एवं संगीत के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, बढ़ सकती है। जो लोग शैक्षिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको भी शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अपने बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होने की संकेत दिखाई दे रही है। आज इनको मित्रों का भी सहयोग मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ा पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है। माता का इनको साथ आज भरपूर मिलने की संभावना है। थोड़ा सा वस्त्र इत्यादि पे खर्च करने की संभावना आज बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इनको ध्यान देने की जरूरत है, आज थोड़ा सा विकार होने की संभावना है। जी पंडित जी, पंडित जी बढ़ते हैं आगे, बात हम वृश्चिक राशि लोग की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कितना सही रह सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं इनके जीवन में? वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। इनके जो लोग नौकरी कर रहे हैं और परिवर्तन सोच रहे हैं और तरक्की सोच रहे हैं, तो उनको आज ऐसा योग दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की के भी योग बन रहे हैं आज के दिन आपके। जहां तक जो लोग कार्य कर रहे हैं अपने अधिकारी का, उनको ऑफिसर का, उनको बहुत सहयोग मिलने की संभावना है। किसी दूसरे स्थान पर भी जाने की संभावना इनकी बन रही है। जहां तक जो लोग वस्त्र के शौकीन है उनको वस्त्र पे खर्चे बढ़ सकते हैं आज। कार्य क्षेत्र में आज इनकी अनुकूल परिस्थितियां दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बना रह सकता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। विपरीत परिस्थितियों में जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, कोई ऐसी स्थिति आए तो थोड़ा धैर्य से काम करें, जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए इनको आज। जी जी पंडित जी, पंडित जी धनु राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कितना अच्छा रह सकता है? धनु राशि के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं, तो धनु राशि वालों के लिए आज जो है थोड़ा सा मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए इनको आज। धार्मिक कार्यों में इनकी व्यस्तता बढ़ सकती है आज। इनको किसी परिचित के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। परिचित हो या मित्र हो, कोई भी हो, उसकी सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। मेहनत, जहां तक मेहनत की बात है तो मेहनत इनको अधिक करना पड़ सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा आत्मविश्वास में कमी दिखाई दे रही है। लाभ की स्थिति में, अवसर में बढ़ोतरी की स्थिति हो सकती है। रुका हुआ धन इनको आज प्राप्त हो सकता है। इससे इनका विश्वास जो है धर्म एवं आध्यात्म के प्रति आज बढ़ने की संभावना है। जी पंडित जी, पंडित जी मकर राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कितना अच्छा रह सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं? मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं। आत्मविश्वास में थोड़ा सा लवरेज रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। इनको थोड़ा सा आज काम करने में आलस्य की अधिकता हो सकती है, आलस्य थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है आज। जीवन साथी के स्वास्थ्य को इनको ध्यान रखने की आज जरूरत है। जो लोग वाहन रख रहे हैं तो उसके वाहन के मेंटेनेंस रख रखाव पर थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इनको सचेत रहने की जरूरत है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार होने की संभावना है। जहां तक पारिवारिक सहयोग की बात है तो परिवार का इनको भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है आज। धार्मिक स्थान पर जाना आज इनको हो सकता है, धार्मिक स्थान की यात्रा आज ये कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, पंडित जी बात अब कुंभ राशि वालों की हम कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कितना अच्छा रह सकता है?
कुंभ राशि के भी स्वामी शनि ही होते हैं। जहां तक कुंभ राशि वालों की बात है तो मन आज इनका प्रसन्न रहने की संभावना है। मन प्रसन्न रहेगा, अच्छा कार्य होगा, तभी तो मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन अपनी भावनाओं को, इमोशन को आज कंट्रोल में रखने की जरूरत है, अपनी भावनाओं को बस में रखने की जरूरत है। किसी मित्र के सहयोग से नए नौकरी के अवसर भी इनको मिल सकते हैं यार। यात्रा करने पे आज इनको खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सेहत का इनको ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास आज इनका भरपूर रहेगा, उसकी संभावना है। धैर्यशीलता में थोड़ी सी कमी आएगी, पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। थोड़ा हो सकता है मानसिक परेशानी इनकी आज बढ़ जाएगी। व्यापार के विस्तार को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहेंगे ये। जी जी पंडित जी, पंडित जी बात हम आखिरी राशि वालों की कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कितना अच्छा रह सकता है? मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो मीन राशि वालों को आज अपने हेल्थ और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा खर्च आज इनको अधिक हो सकता है। जो लोग शैक्षिक कार्य में जुड़े हुए हैं उनको अपने शैक्षिक कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन परिवार में कोई धार्मिक कार्य होने की भी संभावना है। माता से धन की प्राप्ति होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। आत्मसंयम बरतने की इनको आज जरूरत है। जहां तक पारिवारिक सहयोग की बात करें तो परिवार का आज इनको भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है। हो सकता है कोई इनसे आज ऐसा खर्च हो जो अनावश्यक हो, अनियोजित हो, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं हो, तो ऐसा खर्च होने की संभावना है। धार्मिक संगीत के प्रति आज इनकी रुझान जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन मन में थोड़ी सी अशांति होती हुई दिखाई दे रही है। जी जी पंडित जी, पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।